मिसिदा आपके पास जॉब एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस देखकर मैंने फैसला किया है कि आपको मौका मिलना चाहिए। थैंक यू सर। सर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके और आपकी फर्म के मैं पे पूरा उतर के दिखा सकूं। कमाल साहब प्लीज अंदर आइए। कंग्रेचुलेशन, फिलहाल आप मिस अलीजे को असिस्ट करेंगी, वो इस फर्म में क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। आइए कमाल साहब। जी सर। कमाल साहब ये हैं मिस्टर दा, न्यू अपॉइंटमेंट है इस फर्म में। आप एक काम कीजिए, फर्म के बाकी स्टाफ से इनका तारुफ कराइए प्लीज। ओके सर, आइए मिस्टर दा। थैंक यू सर। मैडम अली से, मैं रिदा, काफ़ी देर से आपका वेट कर रही थी, मैं आज ही अपॉइंट हुई उस फॉर्म में। तो आप हैं मिस रिदा, काफ़ी एंटरप्राइजिंग लगती हैं आप। आपकी एजुकेशन क्या है और एडवर्टाइजिंग फील्ड का एक्सपीरियंस कितना है आपको? मैंने ग्रेजुएशन किया है और ये मेरी पहली जॉब है। व्हाट, ग्रेजुएशन विदाउट एक्सपीरियंस और आपको जॉब मिल गई? कोई खास रेफरेंस है आपका? नहीं नहीं मैडम, मैं तो मेरिट में पॉइंट हुई हूँ, और रही एक्सपीरियंस की बात तो आपके अंडर में काम करूँगी तो वो भी हो ही जाएगा। आई होप कि मैं आपके जैसी बन जाऊँ। ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं मिस रिदा, मगर मेरी तरह बनना आपके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अभी मैं एक खास अपॉइंटमेंट के लिए जा रही हूँ, आपसे तफसील से कल बात होगी। छोड़े बाजी, आपको उससे क्या, आपको अच्छी जॉब मिल गई, हमें और क्या चाहिए? अरे कैसे छोड़ दो शिजा, काम तो मैंने उसी के साथ करना है ना। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। पहले तो मोहतरमा ने मेरे 3 घंटे जाया की, उसके बाद मुझे इग्नोर की जा रही है, और जब मैंने खुद से ही बात करने की कोशिश की, मैंने कहा कि मैं आपके जैसा काम करना चाहती हूँ, आपके जैसी बनना चाहती हूँ, तो फरमाती है मेरे जैसा बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन काम है, जैसे आसमान से उतरी है क्रिएटिव डायरेक्टर बनके। बाजी मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि वो आपकी खूबसूरत पर्सनालिटी से कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई हो, और ये भी हो सकता है कि उन्हें अपना तखत खतरे में महसूस हो रहा हो। बहरहाल जो भी वजह हो, मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि आप उसके साथ बना कर रखें। नहीं शिजा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये बात तो मैं साबित करके ही रहूँगी। वो मेरे सामने सिर्फ एक तिनका है और मैं तूफान। माय गॉड, फिर वही आसमान से टकराने की बात है। या अल्लाह, तू ही इन्हें हदायत दे।
साहब वो ट्रांसपेरेंसी आ गई थी? वो तो नहीं आई अभी मैडम। नहीं है? चले मैं उनको कॉल कर दूंगी। आप क्या रुकेंगे अभी? हाँ मुझे कुछ काम है, फोन वगैरह करने हैं कुछ। आप जाना चाहें तो चले। ठीक है मैडम। ओके मिस रिदा। जी सर। क्या बात है आप अभी तक बैठी? सर वो कुछ मॉडल्स को लाइनअप करना था और कुछ जरूरी फोन कॉल्स करनी थी इसलिए। अच्छा अच्छा तो खासा टाइम हो गया है, चलिए मैं आपको ड्रॉप करता हूँ प्लीज। सर लेकिन आप आइए कल कर लीजिएगा। आइए प्लीज। मैं तो कहती हूँ बड़े ही बदनसीब लोग थे जिन्होंने मेरी हीरे जैसी बेटी की कदर नहीं की। खैर कोई बात नहीं, मैं भी उसका दोबारा घर बसाऊंगी और फिर ये भी तो है, ये सहारा बनेगा उसका। हाजरा बेगम, न जाने बदनसीब इसका बाप था, ये बच्चा है या हमारी बेटी। रिदा भी जवान है, पहाड़ से जिंदगी है उसकी। हम और आप कब तक जिएंगे? क्या गारंटी है हमारे जीने की? रिदा को भी जमाने के थपेड़ों का मुकाबला करना है, आप जानती हैं। मैं तो समझा था आपकी बेटी के साथ होने वाले हादसे ने आपको बदल दिया हो, लेकिन अब भी आप उन्हीं जावियों पर सोच रही हैं। खुदारा अपने आप को बदलिए। जो लोग वक्त का साथ नहीं देते, वक्त उन्हें निस्त नाबूद कर देता है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा रोहित, इस दफा मैं तय करके आई हूँ कि तुम्हारा घर बसाए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। हाँ बेटा, अब तुम आ गई हो तो मुझे भी उम्मीद हो गई है कि मैं भी रोहिणी में आके सरे के फूल अपनी आंखों से देख लूंगा। अरे अपिया अभी तो आप आई हैं, कुछ दिन रुकें, आप घूमें फिरें और मुझे भी आजाद रहने दें। बस बस रह लिए जितना आजाद रहना था। गजब खुदा का, 40 को होने को आ गए, मैं अम्मी और अब्बू की रूहों को क्या जवाब दूंगी? बस बाबा समझिए तैयारियां और लड़की की तलाश शुरू। अरे अपिया मामा मामा मामा, मैं आपकी शादी में वो वाला सूट पहनूंगी जो मम्मी न्यूयॉर्क से लाई थी, और मैं गाने भी गाऊंगी। अच्छा यानी अभी आप भी अब बचने का कोई रास्ता नहीं। मेरी सपोर्ट के बगैर मेरी माँ ने तो, लेकिन आलम साहब आपने मुझे नहीं बताया। थोड़ी देर तो अपने नाने के पास बैठ जा मेरे यार। अरे हाजरा बेगम जी, कहाँ जल्दी आइए भाई यहाँ पर। क्या बात है भाई, इजहार ही अपने नवासे को। चलो बस बस चुप। कहा था ना दा एडमिशन दिलाओ उसको यूनिवर्सिटी में, मगर आप मानते हैं क्या किसी की? हाजरा बेगम देखने अगर मास्टर्स कर लेगी उसका मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा, और हम कौन सा उसको अभी बहुत जल्दी रुखसत कर रहे हैं। एडमिशन तो आपने ले लिया है, मगर इस बच्चे को अपने साथ इतना हिला लिया है, कैसे रहेगा तुम्हारे बगैर भाई? अरे हाजरा बेगम 3-4 घंटे की तो बात है, मैं संभाल लूंगा। लाओ बेटा इसे मुझे दो, तुम फ्रेश हो जाओ। लाओ मुझे दो। सर वैसे तो इस एड की सबने ही तारीफ की है, लेकिन इस प्रोडक्ट के मार्केटिंग डायरेक्टर लुकमान साहब से मेरी पर्सनली बात हुई थी, उनको इसके जिंगल पे कुछ एतराज है। हाँ क्या
वो लोग क्या तब्दीली चाहते हैं? सर वो चाहते हैं कि इसके जंगल में इस महंगाई से रिहाई की जगह उजली सफाई, दूर हुई महंगाई कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि मिस सलीजे से मिलकर उसकी एडिट करके री रिकॉर्ड करवा लें बस। थैंक यू सर। ट्रिटा। यस सर। आई लाइक इट। विश यू ऑल द बेस्ट। बात की, मुझसे टकराने की या मेरे काम में मदाखलत करने की? मिस रिदा, आई एम योर बॉस, जो भी मसला हो मुझसे डिस्कस किया करें, क्यों मुंह उठा के अंदर ना घुस जाया करें। सॉरी। हाँ, और एक और बात, मुझे अपने काम में किसी की भी मदाखलत बर्दाश्त नहीं, अंडरस्टैंड? तुमने मुझसे पूछे बगैर ऐड दे दिया, मैं कुछ नहीं बोली। फिर तुमने एक ना अहल और ना तजुर्बे का लड़की को इतनी अहम पोस्ट पर अपॉइंट कर लिया, मैं फिर भी कुछ नहीं बोली। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम मेरी क्रिएशन को चैलेंज करोगे उस एक नई लड़की के कहने पर। अलीज़े, तुम खामखा रेश हो रही हो। You are a creative director, I know. But she is appointed as a client service executive. Clients को satisfy करना ये उसकी responsibility है। और फिर मैंने या रिदा ने तुम्हारी इस creation को challenge तो नहीं किया। हाँ, अलबत्त लुकमान ने खुद इस पर एतराज किया है। लुकमान साहब ने? Are you sure, Rohit? अगर तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं हो तो तुम खुद उससे बात कर लो। और फिर अगली से दूसरी बात ये कि रिदा इस पोस्ट के लिए बिल्कुल नाएलिक है। पर मैं तो ये तो कहता हूँ कि पिछले 15 डेज की परफॉर्मेंस ने उसने साबित कर दिया है कि शी इज फिट फॉर दिस पोस्ट। ओके, आई एम सॉरी। अच्छा, चाय नहीं पिलाओगे? Sure, why not? Shiza? जी मम्मी, इतनी देर हो गई, ये रिदा अभी तक वापस नहीं आई, मेरा तो जी हो रहा है। शाजिया बाजी ने रोक लिया होगा मम्मी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बाजी आ जाएंगी थोड़ी देर। अच्छा बात सुनो जी, तुम जरा शाजिया की आप फोन तो करो, अगर वो वहाँ बैठी है तो उससे कहो भाई आ जाए, फिर किसी दिन चली जाए। चलिए ठीक है, मैं फोन करती हूँ। जाओ। ये लीजिए हाजरा बेगम, ये आपका सौदा। क्या हुआ, बात किया? ये मजे हो रहे हैं। वैसे विक्की यार, मैं बड़ा डर सा रहा था यहाँ आते हुए कि आंटी कहीं जलील करके भगा ना दी, या तू पहचानने या मिलने से इनकार ना कर दे। अबे बड़ी कमीनी सोच है यार तेरी मानी है, तू मुझसे ऐसी उम्मीद रखता है? बेवकूफ़ इंसान चाहे कितनी तोपी चीज़ क्यों ना बन जाए ना, दोस्तों के लिए बस वही काम सा आदमी होता है। बहरहाल तू बता, कर क्या रहा है आजकल? करना क्या है यार, ग्रेजुएशन के बाद से सड़कें नाप रहा हूँ, क्योंकि ना तो अपने पास देने के लिए सिफारिश है, ना कोई भारी रिश्वत। अच्छा, दोस्त समझ के मैं तुझे एक मशवरा दूँ, तू बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं नहीं बोल यार, तेरी बात तो बुरा क्या मानना। देख यार, ये जब से दिलावर गिरफ्तार हुआ है ना, सुपरवाइजर की सीट बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, मैं चाहता हूँ कि सीट पर तू आ जा। अरे यार ऐसा हो जाए तो मजे आ जाए, लेकिन आंटी मान जाएंगी? इसकी फिक्र छोड़ दे तू, बस एक काम कर, थोड़ा सा ही अपना हो गया ठीक कर,
और कल तू मेरे पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आ जाना, ठीक है? ओके बॉस। अबे यार तू बदला नहीं अभी तक है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ यार, तू कभी नहीं सुधरेगा। अच्छा सिस्टर है आपकी। जी। और ये कौन है भाई बच्चा? सर वो सर लुकमान का फोन आया था, वो फाइल्स के बारे में बात कर रहे थे। नहीं वो समझा दिया मैंने उसको, बता दिया। अच्छा। वैसे ये बच्चा बहुत खूबसूरत है आपका। सर वो आप क्या क्या लेने आए थे यहाँ? मैं बस ऐसे थोड़ी शॉपिंग कर रही थी, आप लोगों ने कहीं जाना है तो मैं ड्रॉप कर दूँ? नहीं सर अभी तो हमें टाइम लगेगा, आप थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैं चलता हूँ। अजीब आदमी थे, बार बार आपका बच्चा कहे जा रहे थे, जैसे कि मेरा ही बच्चा। तो तुम्हें किसने कहा था कि इसको लिए लिए घूमो? मना किया था ना मैंने, अब चिमटाए चिमटाए फिरोगे तो लोग यही समझेंगे कि तुम ही इसकी माँ हो। बाजी आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि ये आपका बेटा है? और फिर जब मैंने बताना चाहा तो आपने बात का रुख ही बदल दिया। कैसी बातें कर रहे हो शिजा, मैं क्यों बात का रुख बदलूंगी, मौका ही नहीं मिला मुझे बताने का। बाजी आप सारा दिन ऑफिस में होती हैं और फिर जब घर आती हैं तो फिर भी आप सनी को बिल्कुल नहीं उठाती, ये आपको कैसे लिफ्ट कराएगा? अब थोड़ा तो उसको वक्त देना। शिजा सारा दिन मैं ऑफिस में मगजमारी करती हूँ, उसके बाद आने के बाद मैं आराम करना चाहती हूँ, इसको गोद में लेके बैठ जाऊँ और जो कुछ भी कर रही हूँ इसी के लिए तो कर रही हूँ। शनी मम्मा के पास जाएगा? आ जाओ मुझे भी पहचानो, अम्मा हूँ मैं। तुम तो बस हर वक्त मुझसे खामखा नाराज ही रहती हो। इसको बोलो मम्मा, बोलो मम्मा। नहीं सर वो सर मान को बनाया था, वो फाइल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो तुम्हें किसने कहा था कि हाथ लिए घूमे लिए घूमे? मना किया था ना मैंने, अब चिमटाए चिमटाए फिरोगे तो लोग यही समझेंगे कि तुम ही इसकी माँ। कैसी नहीं शिजा, नहीं शिजा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ ये बात तो मैं साबित कर रही हूँ। वो मेरे सामने से सामने का फिंका कैसी बातें कर रही है शिजा, मैं क्यों बात करूँ बात करूँ, मौका ही नहीं मिला मुझे बताने का। तो तुम्हें किसने कहा था कि हाथ लिए घूमे लिए घूमे? मना किया था ना मैंने, अब चिमटाए चिमटाए फिरोगे तो लोग यही समझेंगे कि तुम ही इसकी माँ। सर वो सर लुकमान का फोन आया था, वो फाइल्स के बारे में बात कर रहा था। मना किया था ना मैंने, अब चिमटाए चिमटाए फिरोगे तो लोग यही समझेंगे कि तुम ही इसकी माँ। मना किया था ना मैंने, अब चिमटाए चिमटाए फिरोगे तो लोग यही समझेंगे कि तुम ही इसकी माँ। अरे भाई किससे मिलवा के ले आए हो इसे? जब से आई है मेरे कान खा गई है, आंटी ऐसी थी आंटी वैसी थी। वैसे कौन थी? अपनी अब्बिया से छुपाओगे? अपनी किस किसकी बातों में आ रही हैं आप? ये तो शैतान की खाला है खाला। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अभी एक माह पहले उसने फॉर्म ज्वाइन कर ली, बस क्या हुआ कि बाजार में चलते चलते उससे मुलाकात हो गई, इतनी सी बात बस। अच्छा क्या नाम है, कहाँ रहती है? रिदा नाम लेकिन अभी आपकी भी कुछ नहीं होता। रिदा नाम तो बहुत अच्छा है, यकीनन खुद भी बहुत अच्छी होगी। जी मम्मी आंटी बहुत अच्छी है और मामा के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अरे अरे इसका दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। वैसे राहुल रोहित तुम कभी कभी बच्चे बड़ी सच्ची और दूरंदेशी की बात करते हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मिलवाओ ना उससे, लेके आओ उसको, बस बहुत हो गई। अब यही कैसी बातें कर रही हैं आप? बस मुझे नहीं पता।
एक्चुअली टुडे इज माय फर्स्ट डे, क्या आप बता सकती हैं कि कैंपस 2 किस तरफ है? हाँ जी हाँ, क्या आपने भी मैथ्स कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया है? जी, आपने भी? जी हाँ, मेरा नाम शिजा है। आई एम फरियाद, नाइस टू मीट यू। सेम हियर।